आज हम स्टडी करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जैसे एक कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, कोई फंक्शन है क्या एफ एक्स वाई, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, सच दैट जो आपका कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स है ना वो तो है एम मेरा, और कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जो है वो है मेरा एन, ठीक है। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, मैं आगे बताऊंगी कैसे एग्जैक्ट है, ठीक है। द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट होगी एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा ना, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, और जनरल सॉल्यूशन किससे निकलेगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी से, ठीक है, जहाँ पे सी मेरा क्या होगा, कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, रेडी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका दे रखा होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक इक्वेशन होगी, जहाँ पे के फंक्शन कोई एफ एक्स वाई ऐसा होगा सच दैट कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स मेरा एम आई, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई मेरा एन आई, ठीक है। इक्वेशन एग्जैक्ट होगी और जनरल सॉल्यूशन किस से गिवन होगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। देखो कैसे चलेगा ये जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट है, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट देखो, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स आपको सब क्लियर हो जाएगा, एक बार अच्छे से बस पढ़ते जाओ। इक्वेशन जो है वन, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, ये एग्जैक्ट कब होगी, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट इफ कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, कर्ली एम बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाय कर्ली एक्स, ये मेरी कंडीशन है एग्जैक्टनेस की, ठीक है। कर्ली एम बाय कर्ली वाई मेरी कर्ली एन बाय कर्ली एक्स के बराबर आनी चाहिए। अब मैंने कहा था ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, बताओ कैसे है, देखो इसको डिफरेंशिएट करो वाई की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में करके देखो क्या आएगा, ये यहाँ पे करोगे तो कर्ली स्क्वायर एफ बाय इसका वाई की रिस्पेक्ट में एम वाले का, तो कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली एम बाय कर्ली वाई आएगा, उस साइड में देखो कर्ली स्क्वायर कर्ली टू एफ बाई करली एक्स की रिस्पेक्ट में ना, करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू सॉरी करली एक्स बाई करली वाई, करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस थी करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली एक्स के बराबर आना चाहिए, ये तो आ गया बराबर, क्यों, क्योंकि करली क्योंकि एफ फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस होता है, तो ये जो है ये इसके बराबर, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक्स और वाई को, ये और ये इक्वल आ गई, देखो यहाँ पे भी x और y को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कर्ली एम वाई कर लेंगे x के बराबर आ गया, ठीक है, कर्ली एम वाई मेरा कर्ली n बाई कर्ली x के बराबर आ गया, ये। अब देखो अगर ऐसा है इफ कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली m बाई कर्ली x है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा फर्स्ट का, फिर जनरल सॉल्यूशन का देखो कैसे निकलता है, देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, कैसे होगा सॉल्यूशन, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस एन डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी, और ये एन यहाँ क्या है, वो टर्म ओनली दोज टर्म ऑफ एन, एन की वो टर्म्स जिसमें क्या है एक्स नहीं है, विच डोंट कंटेन एक्स, ठीक है, विच डोंट कंटेन एक्स, जो x को कंटेन नहीं करती है, ठीक है, n की वो टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो जाएगा, कंडीशन याद रखो, कंडीशन ये होनी चाहिए एग्जैक्टनेस के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मेरे को ये जनरल सॉल्यूशन लगाना है, बस इतना ही मेरा प्रोसेस है। इक्वेशन किस टाइप की हो, इक्वेशन इस टाइप की हो, तीन चीज़ें आप याद रखो, इक्वेशन हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म की, इस पे आप फिर क्या करोगे एग्जैक्टनेस देखोगे, कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स है या नहीं, अगर है तो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ये हो गया हमारा। हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, देखो ये एग्जाम्पल मेरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, डी एक्स है यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस, है बिल्कुल, देखो ये एम हो गया डी एक्स है फिर,
ये n हो गया dy वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन तो इसी फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप क्या होता था, मुझे निकालना होता था कंडीशन एग्जैक्ट है या नहीं, करली m बाई करली y, करली n बाई करली x के बराबर है या नहीं। तो चेक करो, लिखो पहले तो m क्या है मेरा, m है मेरा एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका m हो गया। अब देखो n क्या है मेरा, n है मेरा थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, कर दो करली m y करली y, ठीक है। अब करोगे इसका y में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2y, ठीक है, इसका करो करली m by करली y, अच्छा मैंने कर दिया, ठीक है ये हो गया। अब करली n by करली x, देखो देखो ये हो गया। अब करली n by करली x करो, ये क्या आएगा, x की में रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ गया 3 6xy, है ना, ये तो इसके बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे कर ली एम बाई कर ली वाई, कर ली एन बाई कर ली एक्स बराबर नहीं हुआ, तो इक्वेशन एग्जैक्ट ही नहीं हुई। इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये यही प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है, तो फिर ये नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल देखो आप, अगला एग्जाम्पल क्या है, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये है मेरा। अब मेरे को m देखो, m क्या है मेरा, m है मेरा x क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, एन क्या है मेरा, n है थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये हो गया, ठीक है। निकालो करली m बाई करली y, क्या आएगा यहाँ से, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिक्स एक्स वाई, करली n बाई करली x करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे सिक्स एक्स वाई, है ना, ये तो मेरा करली m बाई करली n बाई करली x के बराबर आ गया, इक्वेशन क्या होगी एग्जैक्ट हो गई। ओके यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब मेरे को सॉल्यूशन जब एग्जैक्ट होता था इक्वेशन, तो मैं जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करती थी, m dx एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, एन कौन से टर्म, नॉट कंटेनिंग x, जो x को कंटेन ना करती हो, ठीक है। लिखो m क्या है यहाँ पे, m है मेरा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एन क्या है मेरा, n है मेरा ये है जो टर्म x ना कंटेन करते हो, इसमें तो x आ रहा है, ये नहीं होगी तो सिर्फ y क्यूब ऐड होगा, y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, कर दो इंटीग्रेशन, x 4 बाई फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई टू प्लस वाई की पावर 4 बाई फोर, इंटीग्रेशन में सीधा क्या होता है, वन ऐड ऊपर वन ऐड करते हैं, नीचे भी 3 प्लस ये पावर है, पावर प्लस 1 करते हैं, है ना, ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, तो ये आ गया मेरा x 4, बस एलसीएम ले लो, सिक्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई फोर इज इक्वल टू, टू नहीं आएगा सिंपल वाई फोर, वाई फोर इज इक्वल टू फोर सी, ठीक है, ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। ओके अदर करते हैं नेक्स्ट, अगला देखो क्या है, ई की पावर वाई प्लस वन कोस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एम क्या है मेरा, एम है e की पावर y प्लस वन कोस x, ठीक है। एन क्या है मेरा, एन है मेरा e की पावर y साइन x, निकाल दो कल m बाई कल वाई जोड़ लो कल n, मतलब है यानी कर ली m बाई कर ली y निकाला आपने, ठीक है, क्या आएगा मेरा, ये आएगा e की पावर y कोस x, है ना, ये होगा कर ली n बाई कर ली x निकालो वो क्या आएगा, e की पावर साइन x का कोस x। ओके ये तो बराबर आ गया, फिर से इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट होगी तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दो, इक्वेशन एग्जैक्ट है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन नॉट कंटेनिंग द टर्म्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट कंटेनिंग एक्स, तो एक्स कंटेन ना करती हो, जो एक्स नहीं कंटेन कर, मतलब ये नोट का सिंबल दिखा है मैंने, नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स कंटेन नहीं करती, बार बार क्या लिखना है, तो एम क्या होता है, एम मेरा है ई वाई प्लस वन कोस एक्स, और n क्या है मेरा जो x को कंटेन नहीं करती, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि देखो n के अंदर a की टर्म है वो x कंटेन कर रही है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, इसका कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx है ना, dx के रिस्पेक्ट में, तो ई वाई प्लस वन e की पावर y प्लस वन साइन x cos x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब देखो पता है जैसे ना मैंने पीछे आया था, मैंने यहाँ पे कहा था ना कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनी थी, है ना, तो हम इस तरीके से ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए आप एक नोट लिखो, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर कई बार इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, समटाइम्स समटाइम्स इफ गिवन इक्वेशन
अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, देन तो हम क्या करेंगे, वी कैन मेक एग्जैक्ट, हम उसे एग्जैक्ट बना सकते हैं, वी कैन मेक एग्जैक्ट